ये देखिए दोस्तों, एक और बेहतरीन टूल्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड का ये टूल्स है। यूनिक टाइप का टूल है जिसको हम एशुलियन टूल बोलते हैं। ये एशुल जो साइट है फ्रांस की, वहीं से इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, एशुलियन साइट। और टिपिकल पियर शेप हैंडेक्स है, पियर शेप हैंडेक्स, पियर होती है उस शेप का हैंडेक्स है। और ये आदमी के द्वारा बनाया गया, प्री हिस्टोरिक मैन, लोअर पैलिथिक मैन के द्वारा बनाया गया एक पहला टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बनाया गया टूल है, जिससे वो मतलब इसको मतलब कटिंग पर्पज से, कटिंग, हाँ कटिंग या हंटिंग या कटिंग पर्पज के लिए यूज करता था। और ये इसकी शेप है, इसी शेप में, दूसरी शेप में भी मिलता है। एंड दिस इज द टिपिकल एशुलियन टूल, तो ये आदमी के द्वारा बनाया गया ऐसा टूल है। और ये हमें अरावली यहाँ से भी मिलता है, और आपने कोर्ट में भी डिस्कवर किया है तो कोर्ट में भी मिल रहा है। और ये तेजवीर के द्वारा गई बहुत अच्छी एक फीचर है, जो कोट गांव के ही रहने वाले हैं तेजवीर, और उन्होंने ये एशुलियन हैंडेक्स अपने कोट गांव में इन्हीं पहाड़ियों पर मंदिर मंदिर के पीछे उन्होंने खोजा है। तो ये एक एशुलियन टूल है हमारे पास। बंद मुट्ठी है या खुला हाथ है या क्या, ये इम्प्रेशन आपको मिल रहा है। कुछ कंपोजिट है, हाँ कंपोजिट आपको मिलेगा, तो इस प्रकार के इम्प्रेशन आपको मिल रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है सर। ये सिमेट्री मिल रही है, आप समझ गए, पर्पसली सिमेट्री मिल रही है। और उसके भी कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें तो हमको यहाँ पर एक हैंडेक्स में मिला है, क्यूपल के साथ साथ हमको हैंडेक्स मिला है जो मानव द्वारा बनाए गए। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसमें फ्लैक निकाली गई है। देखिए ये हैंडेक्स है जो पुराने काल में यानी पुरातन काल में मानव द्वारा बनाया गया था हैंडेक्स। हम इन टूल्स के बेसिस बोल सकते हैं कि यहाँ पर मानव काफी समय से रहा है, काफी समय उन्होंने बिताया है। और कोई वोल्केनिक इरप्शन है और उसके ऊपर जानवर ने फुट रखा, ऐसे उनका कोई कोई रिचुअल्स थी क्या, उनका कोई बिलीव सिस्टम था, क्यों ऐसे वो लोग बना रहे थे जगह 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 जगह, यही तो हमें रिसर्च करना है कि हमें कुछ ऐसे इम्प्रेशन मिले। एक खुले हाथ का इम्प्रेशन, ओपन हैंड और फिंगर का इम्प्रेशन है, एक कंपोजिट या बंद हाथ का है, या कई बार हमें एक हाथ दोनों तरफ मतलब इस तरफ भी फिंगर जा रही है फॉर्म में, या इनग्रेविंग फॉर्म्स में हमें उसके ऐसे ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं। तो ये ऐसे कहते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उससे उससे पहले आपको नोट करना है कि भाई जी मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है, आप क्या कहेंगे। जैसे ये मैंने इसके बारे में बताओ।